अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज तलहा फ्रॉम तलहा रिव्यूज यूट्यूब चैनल। गाइस, पोको ऑन फायर। यस, पोको ऑन फायर। सो आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज पोको का एक नया स्मार्टफोन पोको F3 GT बहुत ही जल्द पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है, एंड इंडियन मार्केट में भी ये बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। आज इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस निकल कर आ रही है। ये सीरीज परफॉर्मेंस को ज्यादा टारगेट करती है, लाइक पोको X3 प्रो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, पोको F3 और भी काफी डिवाइसेस। सो आज हम बात करते हैं इसी फोन के बारे में, F3 GT के बारे में, कब पाकिस्तान में आने वाला है, कितनी प्राइस हो सकती है, कैसा है, इंतजार करें या ना करें, सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं पोको F3 GT के बारे में। एंड गाइस, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक गिव अवे भी रखा हुआ हेडफोन्स का, उसको लाजमी से चेक कीजिएगा। यहां पर लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको लाजमी से पार्टिसिपेट करना। उस वीडियो में यार हेडफोन्स का गिव अवे है, तो लाजमी से देखना। सो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल वाली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस के सब नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं। सो भाई, लेट्स बिगिन। गाइस, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये रेडमी का सब ब्रांड है। यस, रेडमी का K40 जो गेमिंग एडिशन है, जो कि चाइना में लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल सेम वही फोन है, और यहाँ पर रीब्रांड होकर जो है वो F3 GT के नाम से आ रहा है। स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा ओपी हैं। यस, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फोन के डिस्प्ले से। 6.67 इंच का डिस्प्ले है, एक OLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 500 निट्स ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक 10 बिट डिस्प्ले है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। लाइक डिस्प्ले में स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा बेहतरीन निकल कर आ रही है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस, सुपर एमोलेड तो है, लाइक डिस्प्ले सारी चीजें बेहतरीन है, बट यार फिर से वही सीन है कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा रहा है। देखो यहाँ पर, मतलब कि ये हर जगह पर हमेशा से कॉस्ट कटिंग ही करते आ रहे हैं, और आपको अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि ये वही डिस्प्ले है जो कि रेडमी नोट 10 प्रो जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो वाला, उसका भी डिस्प्ले 6.67 इंच का ही है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लाइक डिस्प्ले वही है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा मेरा, व्हाई शाओमी फोन्स आर सो चीप, ये इसी वजह से है कि ये पुराने कंपोनेंट्स ही बीच में यूज कर लेते हैं। बट हाँ, नो डाउट डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा बेहतरीन है। बैक डिजाइन की बात करूं, डिजाइन आपको पसंद आएगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, 8 का अल्ट्रावाइड प्रो, 2 का डेप्थ सेंसर। अब ब्रांड्स जितनी चाहे मर्जी अच्छी चीज निकाल लें, लेकिन ये 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर छोड़ने नहीं वाले। खैर हाँ, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी, और यहां पर आपको गेमिंग ट्रिगर्स भी देखने को मिलेंगे इसकी साइडों में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज ये गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो यहां पर आपको गेमिंग ट्रिगर्स भी देखने को मिल रहे हैं स्मार्टफोन में। सो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, और क्या आप इनके लिए एक्साइटेड है, मतलब कि आप इसको यूज करेंगे नहीं करेंगे, आपको ये चीज पसंद है नहीं पसंद, कमेंट्स में लाजमी से बताना। एंड बात कर लेते हैं फोन की मेमोरी की। 6+128GB है, 8+128GB है, 8+256GB है, 3 वेरिएंट्स है, UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगी, लाइक स्टोरेज टाइप भी अच्छी है। एंड बात करते हैं मेन चीज की, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है इस फोन का प्रोसेसर। यस, मीडियाटेक का डायमंड सिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि मीडियाटेक का सबसे पावरफुल एंड लेटेस्ट प्रोसेसर है, और काफी ज्यादा बेहतरीन है। और गाइस, यहां पर आप अगर पबजी की बात कर लीजिए, तो आप 90 FPS के ऊपर जो है वो अपनी पबजी को एंजॉय कर सकते हो। ग्लोबल वर्जन की बात करूं, चाहे पाकिस्तान में आए, लेकिन इंडिया की BGMI का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, आप 90 FPS बड़े आराम से जो है वो स्मूथली आप खेल सकेंगे। लेट्स सी, आने पर इसकी अनबॉक्सिंग और पबजी टेस्ट भी करेंगे चैनल पर, सो इसी वजह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 90 FPS काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बनने वाली है। सो बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। 5000 mAh की बैटरी है, 67 वोल्ट की आपको सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, और ये 67 वोल्ट का चार्जर इन्होंने कुछ देर पहले ही लॉन्च किया था, सो अभी ये इस फोन के साथ भी आ रहा है, 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर। सो काफी ज्यादा बेहतरीन चीज है। गाइस, अगर ओवरऑल बात करूं, देखो ये एक गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस होने वाली है, गेमर्स को टारगेट होने वाली है, और वैसे भी रेडमी K40 गेमिंग एडिशन ही था, और उसको रीब्रांड करके F3 GT के नाम से पाकिस्तान इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, तो गेमिंग के मामले में अगर आपको एक बेहतरीन फोन चाहिए तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। बट हाँ, मेन थिंग इज प्राइस कितनी आती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइस की बात कर ली जाए, प्राइस इस फोन की होने वाली है अराउंड, अगर पाकिस्तान मार्केट की बात करूं तो 60,000 से लेकर 70,000 के दरमियान इसके ही अराउंड अबाउट प्राइस आने वाली है। और आई थिंक सो कि इतनी प्राइस आती है तो ठीक है, जस्ट
जस्टिफाई करेगा। और आप क्या सोचते हैं कि इतनी प्राइस में सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितनी प्राइस होनी चाहिए, शाओमी कितनी प्राइस रखे, कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। एंड एक और चीज़ है कि यहाँ पर इनका यूआई देखो, फोन तो काफ़ी ज़्यादा ओपी है लेकिन अगर यूआई बेहतरीन ना हुआ तो क्या करें। मैंने रेडमी नोट 10 को इसी वजह से सेल किया है, लेकिन हाँ रेडमी में ज़्यादा बग्स हैं, बट ये भी यूआई उनका ही है, ये भी मी यूआई ही है जो कि पोको में आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा पोको थीम के साथ आता है, पोको एडिशन होता है तो इसमें बग्स थोड़े से कम होते हैं, बट हाँ पोको में भी काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं। लेट्स सी अगर बग्स सोल्व हो गए तो मैं कहता हूँ कि कमाल, लेकिन अभी के लिए इसमें जो है वो आपको मी यूआई 13 देखने को नहीं मिलने वाला, आई थिंक सो कि 12.5 ही होगा, 13 आने वाला है। खैर हाँ देखते हैं क्या बनता है। यूआई अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है शाओमी के फोन तो लाजमी से अपना फीडबैक दो यूआई के मामले में। एंड बात कर लेते हैं हम फोन की लॉन्च डेट की, पाकिस्तान में कब ये फोन लॉन्च किया जाएगा शाओमी की तरफ से। लॉन्च डेट की बात करूँ तो 23 जून को पहले ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होंगे, उसके बाद पाकिस्तान में आएंगे। एन हमेशा से ऐसे ही होता है, चाहे रेडमी की नोट 9 सीरीज ले लो, नोट 10 सीरीज ले लो, पोको की डिवाइस ले लो, पहले वो इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है, उसके बाद ऑलमोस्ट जो है वो एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते के बाद पाकिस्तान की मार्केट में भी वो स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। एंड इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। एंड होप्स हो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च कर दिए जाए। एंड जैसे लॉन्च होगा सारी वीडियो चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट मुझे डिवाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, आप क्या सोचते हैं लाजमी से बताइएगा। आई होप कि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, कुछ भी पूछना है कुछ भी बताना है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करके जाना भाई, स्टे ट्यून, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।